इधर रायपुर में 3 साल के बच्चे की हत्या का ये मामला है। बच्चे की हत्या की गई और झाड़ियों में बच्चे की शव को फेंक दिया गया। कल से ये मासूम बच्चा गायब था, जिसकी तलाश की जा रही थी। वीआईपी सिटी के गोल चौक के पास बच्चे का शव मिला है। विधानसभा थाना इलाके का ये मामला है, तो बच्चे की हत्या से जुड़ा हुआ ये मामला। और अब इस पूरे मामले में पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। बच्चा कल से लापता था और इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस जांच कर रही है कि आखिर बच्चे की हत्या किसने की है। आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। तो राजधानी रायपुर का यह मामला, जहाँ पर 3 साल के मासूम की निर्मम हत्या की गई। मासूम की हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया गया। तो शव को बरामद किया गया है और अब इस पूरे मामले में जो तफ्तीश है वो शुरू हो चुकी है। तो गोल चौक के पास बच्चे का शव मिला है। इस घटना के सामने आने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल भी देखा जा रहा है। हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि मासूम कल से लापता था। परिजन चिंतित हो रहे थे और पुलिस बच्चे तक पहुंच पाती उससे पहले ही बच्चे की हत्या कर दी गई। और बच्चे की हत्या करने के बाद, मासूम की हत्या करने के बाद उसके शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, क्या रहा ये पूरा मामला और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? निश्चित तौर पर काफ़ी हृदय विदारक ये घटना है। रायपुर में दशहरे के दिन ये घटना हुई है और 3 साल के मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में ये पता चल पा रहा है कि गला घोटकर हत्या की गई, हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मैं घटना स्थल पर मौजूद हूँ। आसपास यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पर इस कॉलोनी के अंदर में भवन निर्माण के लिए जो काम करते हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो उनके पिता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये क्राइम सीन जो है, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है मासूम की जो है वो हत्या कर दी गई है। और कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर 3 साल के मासूम की क्या गलती रही होगी कि उसकी हत्या यहाँ पर की गई है। वो जो आरोपी है जिसको हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है, क्या वजह होगी, कैसी वजह होगी। मैं जो मासूम है जिसकी हत्या हुई है, उनके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करता हूँ। बच्चे की, मासूम की हत्या हुई है, क्या लग रहा है आपको? आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ पर, क्या कुछ समझ आ रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहे थे सर, कल ना मैं ड्यूटी में गया था और मेरे को 10:30 बजे पता चला, तो मैं ड्यूटी छोड़कर 11 बजे उसको ढूंढने लग गया। पूरे कॉलोनी में ढूंढने के बाद कुछ भी नहीं मिला। यहाँ तक मैं सीसीटीवी कैमरा भी खुलवाया था वहाँ कॉलोनी का, वो वहाँ का भी नहीं मिला। और ये इलाका पूरा छान मारा, कुछ भी नहीं मिला। वो लड़के भी था मेरे साथ में। उसके बाद ना हम दोनों गए थे थाना में दर्ज किए। उसके बाद ना वो आए थाने वाले, उसके बाद मेरे को रात में आए, मैं रात में आ गया, फिर वही जांच पड़ताल कर रहे थे। अच्छा, जो कल से जब आपका बच्चा गायब था, तो जो जिसको अभी हिरासत में लिए है पुलिस, जिसको लेके गई है, उससे आपकी पहचान थी? हाँ, अपने ही गाँव के थे ना वो। अच्छा, आपके पहचान थी? हाँ, अपने गांव का है, अपने पारे का। कोई लड़ाई रही थी क्या? नहीं सर, कोई लड़ाई भी नहीं है। तो फिर ऐसे क्या हुआ, कुछ ऐसे कुछ समझ आ रहा है आपको, किस वजह से हो सकता है? मेरे को एक वजह है सर, क्या है, वो चोर भी था, वो गांजा पीता है, दारू पीता है, हर चीज पीता है, लेकिन उस समय में नशा पानी में नहीं था, मेरे साथ था। तो पूरे कॉलोनी में घूमा और थाना भी गए थे, और जब थाने से आए ना तो उसको पूछा भी, फिर भी से नहीं बताया। और एक बार ना मेरे घर में ना 2 ताला तोड़ा था और चावल वावल भी लेकर गया था। मेरे को इसी शक के वजह से, मेरे भाई ने रिपोर्ट लिखाया था छोटा वाला, तो इसी शक के वजह से बोल रहा हूँ कि इसी का काम है करके। मतलब आप जब बच्चा गायब हुआ, मासूम आपका बच्चा गायब हुआ, तब आपके साथ में ढूंढने भी गया था? हाँ, थाना भी गया था? हाँ, ढूंढने भी। और वही आरोपी निकला? देखिए किस तरह की घटना है ये, कि जिस मासूम की निर्मम हत्या की गई है, उसके मतलब जो उसके पिता है वो बता रहे कि उसका साथी ही है, गाँव में ही साथ में रहता था, साथ में ही उसके काम करता था यहाँ पर, और उसी के साथ बच्चे की गुम होने के बाद उसके साथ में ढूंढने भी निकला। बाद में जब पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई, दर्ज होने के बाद जब मामले की तफ्तीशी हुई, तफ्तीश होने के बाद
ये पता चला तो उसके बाद उसको हिरासत में लिया गया, हालांकि वो नाबालिग है। अब इस समझ से परे है कि आखिर ये पूरी इस हत्या के पीछे क्या कारण है, क्योंकि इसे आपसी रंजिश भी कहा जा सकता है। जिस तरह से उनके पिता ने बताया कि चोरी की घटनाओं में वो संलिप्त रहा है और उसको चलते पहले भी उसके ऊपर जो है शिकायत दर्ज कराई गई थी, और उसी के चलते हो सकता है कि आपसी किसी खुन्नस की वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। एक बार मैं क्राइम सीन को दिखाऊंगा कि ये पूरा वीआईपी सिटी है जहां पर, जो कि सड्डू इलाके में मौजूद स्थित है, और वहां पर देखिए पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है। मैं थोड़े करीब से दिखाऊंगा कि यहां पर किस तरह से इस पूरे झाड़ियों के बीच में मासूम की हत्या जो है यहां पर की गई है। और इस तरह से ये एक बड़ी घटना राजधानी रायपुर में दशहरे के दिन, वो भी किसी अन्य ने नहीं बल्कि उसके पिता के ही साथी, जो कि उस दिन भर उस बच्ची के साथ उस बच्चे को ढूंढने के लिए, उस मासूम को ढूंढने के लिए उसके साथ में रहे, थाना भी गए, लेकिन बाद में ये पता चला कि उसने ही ये हत्या की है, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस अभी जांच कर रही है, हिरासत में भी लिया गया है, और इसके बाद ही पूरा पता चल पाएगा कि किस तरह से ये घटना हुआ, क्या पूरी वजह है। ये तमाम विषय जो है, तमाम सवाल जो है, वो जांच का विषय बना हुआ है, और अभी भी बच्चे का जो शव है वो यहाँ पर है। जी बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर जो जांच पड़ताल है, तफ्तीश यहाँ पर शुरू हो चुकी है, और आप देखना होगा कि जब आरोपी से पूछताछ की जाती है तो क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले को लेकर होते हैं। तमाम तस्वीरें हम तक पहुँचाने के लिए अविनाश, आपका बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि ये जो पूरा मामला है राजधानी रायपुर से जुड़ा हुआ, ये मामला जहाँ पर एक 3 साल के मासूम की निर्मम हत्या की गई है, और यहाँ पर आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। और जैसा कि जो मासूम था उसके पिता का ये कहना है कि उसके साथी ने ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, हालांकि कोई आपसी रंजिश नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, लेकिन जो आरोपी था वो नशे का आदी था, आदतन बदमाश था। हालांकि अभी जांच की जा रही है, देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे पूरे मामले में होते हैं।